नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या कपिल सिब्बल सबसे ताकतवर शख्सियत हैं? क्या बार और बेंच सबसे ऊपर हैं? कपिल सिब्बल ने एक बार फिर अपनी वो ताकत दिखाई जिसके सामने में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी घुटने टेक दिए। दरअसल सिब्बल की ये शातिर चाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी मोहने का था और उसमें भी सिब्बल सफल हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बीच टकराहट का मामला मीडिया की सुर्खियों में भी आया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के सामने में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह तल्ख लहजे में जिरह कर रहे थे। दरअसल एक मामले की सुनवाई हो रही थी और विकास सिंह प्रेशर डाल रहे थे कि उनके मामले की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का चैम्बर सुप्रीम कोर्ट के ठीक बगल में जो अप्पू घर हुआ करता था वहां बनने की बात थी। इस मामले की सुनवाई को लेकर के विकास सिंह जिरह करना चाहते थे और जस्टिस चंद्रचूड़ इस मामले पर अभी सुनने को तैयार नहीं थे। तो विकास सिंह ने कह दिया, इस मामले को मैं आपके घर तक ले जाऊंगा। चंद्रचूड़ को यही अपमानजनक लगा। यह थोड़ा बहुत अपमानजनक था भी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी होती है कि वो मर्यादा का ख्याल रखे। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। वो चूंकि राजनीति भी करते हैं, विकास सिंह लंबे कदकाठी के हैं, प्रभावशाली वकील हैं और उन्होंने जिरह करनी शुरू की तो चंद्रचूड़ ने गेट आउट कह दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने में गेट आउट सुनना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए भी अपमानजनक था। कोर्ट रूम के बाहर चले जाइए, यह बात जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने विकास सिंह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे कही तो खलबली मच गई। वहीं मौजूद सिब्बल ने शातिर चाल चली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सिब्बल के साथ वहां पर नीरज किशन कौल भी थे। वकील नीरज किशन कौल और सिब्बल ने बार एसोसिएशन के सामने की तरफ से CJI से माफी मांग ली। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को रास नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तय किया कि वो कपिल सिब्बल के खिलाफ एक्शन लेगा, उस सिब्बल के खिलाफ जिसके दांव पेच से भारतीय राजनीति चलती रही है। वो सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में ये तय करवा देता रहा है कि राम मंदिर पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, 2019 के चुनाव से पहले नहीं होगी, 2019 के चुनाव के बाद होगी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील रहे कपिल सिब्बल यही तय करते थे और सिब्बल की वो शातिर चाल थी कि तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि राम मंदिर मामले की सुनवाई वो कर पाए। आखिरकार उन्हें अपनी इज्जत बचाकर रिटायर होना पड़ा, उन पर महाभियोग चलाने की बात होने लगी थी। सिब्बल का वो खेल ही था कि वो कपिल सिब्बल के ऊपर जस्टिस रंजन गोगोई ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि सिब्बल उनके घर आ रहे थे, मैंने आने नहीं दिया। राम मंदिर मामले की सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, इशारा कई बार ऐसे वकीलों की तरफ जाता है। ये वही सिब्बल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए कहा था कि 50 साल से वकालत कर रहा हूं, ऐसा बुरा दौर कभी नहीं आया जिस जो सुप्रीम कोर्ट में अभी है। वो इन्होंने इसलिए कहा कि अपने तिस्ता सी तलवार को वो राहत नहीं दिलवा पाए थे जिस तिस्ता सी तलवार को वो टेलीफोन पे ही राहत दिलवा दिया करते थे। वो तिस्ता सी तलवार जेल गई, सिब्बल बचा नहीं पाए। सिब्बल लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलाते रहे कोर्ट और कोर्ट के बाहर भी। गुजरात दंगा मामले में अक्सर सिब्बल पेश होते थे और वो सिब्बल ही थे जो जकिया जाफरी मामले की लेकर सुप्रीम कोर्ट में थे। एहसान जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद के मौत के मामले में जो गुजरात दंगे के बाद हुआ था। सिब्बल इस मामले में जब आखिर में हार गए, सिब्बल का हार दांव पे जब फेल हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि 50 साल
से मैं सुप्रीम कोर्ट आता जाता हूं, ऐसा बुरा दौर कभी नहीं था। ये वही सिब्बल थे जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरा रहे थे, वही सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के CGI के सामने में ऐसा दांव चले कि जिससे बार एसोसिएशन को अपना अपमान महसूस हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया कि वो कपिल सिब्बल और नीरज किशन कौल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मामला तुल पकड़ने लगा। 253 वकीलों ने सिब्बल के खिलाफ विकास सिंह के साथ लेटर लिखा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में दखल दिया और इस दखल को बहाना ढूंढ करके विकास सिंह एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सिब्बल पर कार्रवाई से मना कर दिया, क्योंकि तो सिब्बल के पक्ष में लगभग 600 लोग खड़े हो गए। कुछ लोग कहते हैं ये लोग 600 वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ खड़े थे। लेकिन इसमें जीत क्या लड़ाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विकास सिंह के बीच थी, या विकास सिंह बनाम कपिल सिब्बल हो गई? जब लड़ाई सिब्बल और विकास सिंह के बीच आ गई, बार एसोसिएशन के बीच, तो फिर जीत और हार में से किसी एक का सहरा तो उसी वकील को होना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी बड़े हो गए सिब्बल? क्या सिब्बल ने एक बार फिर यह एहसास कराया कि सुप्रीम कोर्ट और देश की जुडिशियरी में उनकी ताकत कितनी है, कि सरकार भले ही उनकी पार्टी की नहीं हो, वो किसी आजम खान को राहत कैसे दिला देते हैं, वो किसी लालू प्रसाद यादव को छुट्टा घूमने की इजाजत कैसे दिलवा देते हैं, वो किसी मुख्तार अंसारियों को पंजाब के जेल में ही रहे ऐसा दांव पेच महीनों सुप्रीम कोर्ट में कैसे चलवा देते हैं? सिब्बल होना ही ये दिखाता है कि आज की तारीख में भी जजों को सिब्बल क्यों भाते हैं, क्यों सिब्बल के दांव पेच सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। और जब सिब्बल जजों की साख इज्जत बचाते नजर आएंगे, तो वाजिब सी बात है कि जजों की भी कुछ मजबूरी होगी कि सिब्बल को सुने। तभी सिब्बल हैबिचुअल क्रिमिनल आजम खान को, जो 100 से ज्यादा मामले में अभियुक्त है, मुख्तार अंसारियों को, जिस मामले में भी वो पेश हों लालू यादवों को, राहत दिला देते हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपने सामने घुटने के बल लाने वाले सिब्बल ने फिर साबित किया कि जुडिशियरी में उनकी ताकत के मायने क्या हैं, और क्यों ये सिब्बल किसी मुलायम सिंह, किसी सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव को क्यों भाते हैं, क्यों सिब्बल अपनी पार्टी में राज्यसभा भेजने लायक नहीं रहते, तो आजम खान और लालू यादव के सहारे राज्यसभा चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल होने के बड़े मायने हैं। सिब्बल चाहे बार एसोसिएशन के वकील हों ना हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिब्बल के साथ लगभग 600 वकील पेश हुए हैं साम, मतलब उनके पक्ष में। कहा जा रहा है कि सिब्बल के पक्ष में नहीं है, CGI के पक्ष में थे। अब CGI को भी ये लगेगा कि जब विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनका अपमान किया, सिब्बल ने उनकी इज्जत बचाई। ऐसे में जब सिब्बल पेश होंगे तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी ही। ये विश्लेषण कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जुडिशियरी में सिब्बल होने के मायने को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।